चलो दोस्तों शुरू करते हैं मामा भांजा और लोमड़ी का जादू अच्छी है ध्यान से सुनना एक किसान के पांच बेटे थे चार की शादी हो चुकी थी एक अभी कुआरा था वह लाड प्यार में बिगड़ गया था बाप ने एक दिन उससे कहा बेटे पड़े पड़े क्या कर रहे हो कुछ भी क्यों अपने बेटे का जवाब सुनकर बाप को बहुत दुख हुआ यह तो सचमुच ही बहुत बिगड़ गया है हूँ हर वक्त बिना मतलब ही पूछताछ करते रहते हैं लड़का उठकर तेज कदमों से बाहर चल दिया घर पर दो घड़ी चैन से बैठ भी नहीं सकता बाहर चलो यह कैसे सुधरेगा वह दालान में रसोई करती बड़ी भाभी की ओर चला तो सब्जी की टोकरी से टकरा गया उफ यह सब्जी की टोकरी क्या यहाँ रखने की चीज है रसोई में बैठी भाभी हंसने लगी हे ही, ही देवर जी आंखें खोल कर चलना सीखो बकवास बंद करो भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या खाना खाना है नहीं तो क्या तुम्हारी सूरत देखने आया हूं भाभी ने थाली सामने रखी तो देवर ने रोटी उठाकर जमीन पर दे मारी यह जली हुई अधी रोटी मैं खाऊंगा भाभी ने मजाकिया स्वर में कहा देवर जी इतने ही नखरे वाले हो तो पांच फूल रानी को ब्याह लाओ हाँ हाँ वह भी करके दिखा सकता हूं भाभी ने उसी स्वर में कहा हम भी देखेंगे वह तुम्हें कैसी रोटियां बनाकर खिलाती है देवर झटके के साथ उठा और घर से बाहर चल दिया पेट में चूहे कूदेंगे तो वापस आकर यही खाएगा युवक घर से निकला और आंधी तूफान की तरफ तरह जंगल की ओर चल दिया वह जंगल में आगे बढ़ते हुए अपने आप से बोला अब तो मैं पांच फूल रानी से ही शादी करूंगा और उसी के हाथ की बनी रोटियां ही खाऊंगा जंगल में बनी झोपड़ी देखकर वह उसी ओर चल पड़ा इस झोपड़ी में कौन रहता है झोपड़ी में एक बुढ़िया थी उसने सारी बात बुढ़िया को बताई और पूछा अम्मा यह पांच फूल रानी कौन है वह एक राजकुमारी है राजा ने जंगल में उसके लिए महल बनवा दिया है वह अकेली रहती है पर क्यों बुढ़िया ने बताया असल में बेटा वह बड़ी नाजुक है उसे रोज फूलों से तोला जाता है उसका वजन कभी पांच फूलों से ज्यादा नहीं होता युवक बुढ़िया के पास ही रहने लगा एक दिन उसे जंगल में एक लोमड़ी मिली उसने पूछा तुम जंगल में क्यों भटक रहे हो नौजवान क्या बताऊं मौसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है युवक ने सारी बातें लोमड़ी को भी बता दी सुनकर लोमड़ी बोली ठीक है कल मिलना मैं तुम्हारी मदद करूंगी शुक्रिया मौसी दूसरे दिन युवक उसी जगह पहुंचकर लोमड़ी की बाट धोने लगा मौसी ने यहां मिलने को कहा था अब तक नहीं आई कुछ ही देर में लोमड़ी आती दिखाई दी अरे ये तो सचमुच वादे की पक्की निकली वह राह नौजवान यह भी क्या याद रखेगा किसी मौसी से मुलाकात हुई थी लोमड़ी मौसी ने एक जोड़ा खड़ाऊ और एक टोपी युवक को दी इन खड़ाऊ को पहनकर तुम कहीं भी जा सकते हो और जब इस टोपी को पहनोगे तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा क्या सच मौसी पर मौसी मैं तो सभी को देख सकूंगा या नहीं क्यों नहीं यही तो खूबी है इस टोपी में लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा आओ तुम मेरी पूछ पर बैठ जाओ मैं तुम्हें फूल रानी के महल तक छोड़ दूंगी अंधे को जैसे आंखें मिल गई वह लोमड़ी की पूछ पर बैठ गया मौसी की दया को मैं जीवन भर भुला नहीं सकूंगा लोमड़ी तेज रफ्तार से जंगल में भागने लगी वाह ऐसा लग रहा है जैसे मैं फूलों की सेज पर बैठा जा रहा हूं कुछ ही देर में लोमड़ी एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर रुक गई उतरो आ गया फूल रानी का महल कहा लोमड़ी ने एक दिशा में हाथ उठाकर कहा वह देखो नजर आया वह कितना सुंदर महल है लोमड़ी ने एक और को जाते हुए कहा अच्छा मैं चलती हूं धन्यवाद मौसी, अच्छा होगा टोपी भी पहन लू युवक ने महल की ओर देखते हुए खड़ाऊ पहनी साथ ही बुदबुदाया कुछ ही देर में युवक कदरस से होकर पांच फूल रानी के महल में पहुंच गया उसने टोपी उतार ली वाह कितना सुंदर महल है वह दबे पांव आगे बढ़ा और एक दूसरे कक्ष में पहुंच गया फूल रानी पलंग पर लेटी थी वह मंत्र मुग्ध हो गई वह कितनी सुंदर है फूल रानी वह दबे पाँव पांच फूल रानी के सामने पहुंचा वह जैसा सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक सुंदर और नाजुक हो कौन हो तुम युवक ने बड़ी शिष्टता से कहा फूल रानी मैं किसान का बेटा हूं और तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूं आज नहीं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी युवक ने पांच फूल रानी से विदा ली बाहर आकर उसने सोचा पांच फूल रानी ने आज मना क्यों कर दिया दूसरे दिन माली ने तराजू के पलड़े पर फूल रानी को बिठाया और दूसरे पर ढेर सारे फूल रखे लेकिन उसका पलड़ा फिर भी भारी रहा आए यह क्या आज फूल रानी का वजन कैसे बढ़ गया माली भागकर राजा के पास पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया सुनकर राजा को भी भारी आश्चर्य हुआ आए यह कैसे हुआ खैर तुम जाओ जो हुक्म अंधा था मालिक के जाने के बाद महाराज ने अपने वजीर को बुलाया और उससे पूछा बताइए ऐसा क्यों हुआ हुजूर महल में अवश्य कोई आदमी गया है महाराज ने हुक्म दिया आप पैरा सख्त करवा दीजिए जो हुक्म हुजूर वजीर ने अपने आदमियों को बुलाया और आदेश दिया पांच फूल रानी के महल में चारों तरफ खाई में पानी भर दिया जाए और उसमें पक्का रंग और इतर डाल दिया जाए दूसरे दिन कुछ सेवकों ने वजीर को खबर दी हुजूर आपके हुक्म की तामील कर दी गई है ठीक है तुम लोग जा सकते हो एकांत में होते ही वजीर ने सोचा अब जो भी आदमी फूल रानी के महल में जाएगा उसके कपड़ों में रंग और इत्र लग जाएगा दूसरे दिन फिर वह युवक फूल रानी के महल के पास पहुंचा और खाए की परवाह के बगैर महल में दाखिल हो गया अरे मेरे कपड़े तो रंग में रंग गए हैं इत्र की बहुत तेज खुशबू भी आ रही है बिना किसी हिचकिचाट के वह पांच फूल रानी के कक्ष में पहुंच गया वह बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी देखे आज पांच फूल रानी क्या कहती है युवक आगे बढ़ा और उसने कहा फूल रानी आज तो मेरे साथ चलोगी चलो आज महल से बाहर निकलती हूं युवक फूल रानी के साथ महल से निकलकर जंगल में आ गया वाह महल के बाहर कितना अच्छा लगता है कैद किसे अच्छी लगती है राजकुमारी महल के चौकीदारों को पता चला कि फूल रानी गायब है तो वह दंग रह गए। फूल रानी गायब कैसे हो गई अब क्या होगा महाराज जाने क्या सजा दे एक चौकीदार ने अपनी मजबूरी जाहिर की कुछ भी हो महाराज को खबर तो करनी ही पड़ेगी एक चौकीदार ने महाराज को अफसोस के साथ खबर दी महाराज फूल रानी महल से गायब हो गई है क्या क्या यह कैसे हुआ चौकीदार ने सफाई देते हुए प्रार्थना की महाराज हम ईमानदारी से चौकसी कर रहे थे फिर भी वह कैसे गायब हो गई यह समझ में नहीं आ रहा महाराज ने वजीर को बुलाया और उसे सारी बात बताकर हुक्म दिया पांच फूल रानी की तलाश की जाए चिंता न करे महाराज हम जीवन आसमान एक कर देंगे हम जमीन आसमान एक कर देंगे राजा के सिपाही जंगल में भी पहुंचे और दूर दूर तक खोजने लगे आश्चर्य है जंगल का कोना कोना छान मारा राजकुमारी का कहीं पता नहीं कमाल है पांच रानी युवक की खिड़ाव पहनकर पुनः अपने महल में पहुंच गई वह महल से बाहर कितना अच्छा लगता है उधर उस युवक ने अपने कपड़े एक धोबी के लड़के को धोने दे दिए कपड़ों से आती इत्र की गंध को सुम्भ धोबी के लड़के ने सोचा वाह इत्र की कितनी प्यारी सुगंधा रही है मैं तो इसी पोशाक को पहनकर शादी करने जाऊंगा लड़के के बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा अब अपने पोशाक में भी अच्छी तरह लोहा कर ले शाम को तेरी शादी है बापू मैं तो आज यह पोशाक पहनूंगा खुशबू बाप की नाक में भी पूछी तो वह भी बोला वह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसलिए तो कह रहा हूं बापू धोबी का लड़का वही पोशाक पहनकर शादी कराने बारात के साथ निकला वह मेरे कपड़ों की खुशबू से सारे बाराती भी महक रहे हैं बाराती आपस में चलते हुए बातें करने लगे कैसी भीनी भी, भी खुशबू आ रही है यह तो दूल्हे के कपड़ों से आ रही है राजा का एक सिपाही सड़क के किनारे खड़ा था उसके नाक में सुगंध पूछी तो वह चौका सुगंध यह सुगंध कहां से आ रही है सिपाही ने एक बाराती को पकड़कर कहा बताओ यह सुगंध कहां से आ रही है बुजुर्ग माई बाप यह तो दूल्हे के कपड़ों से आ रही है सिपाही दूल्हे की तरफ भागा अभी देखता हूं हे भगवान यह क्या हो रहा है मेरी इज्जत का कूड़ा हो रहा है राजा के सिपाही ने घोड़े पर सवार दूल्हे को दर्द बोछा नीचे उतरो जल्दी पर सिपाही जी बात क्या है दूल्हे को नीचे उतार कर सिपाही बोला वो तो ये बात है सुगंध तेरे कपड़ों से आ रही है किसी के कपड़ों से सुगंध आना कोई जुर्म तो नहीं है सिपाही जी सिपाही ने आंखें निकालते हुए पूछा बोल यह पोशाक तेरी है नहीं सिपाही जी मेरी नहीं है यह तो एक बुढ़िया के यहां से धुलने के लिए आई हुई थी धोबी के लड़के ने सिलसिलेवार सभी कुछ बता दिया तू सच सच कह रहा है न सिपाही कसम चंडी माँ की मैं सच कह रहा हूं कुछ देर बाद सिपाहियों का दल बुढ़िया की झोपड़ी के सामने पहुंचा एक सिपाही जाकर पता करके आए जी मैं जाता हूं सिपाही ने वापस आकर कहा वहां बुढ़िया के सिवाय कोई नहीं बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी है खैर चलो किसान का बेटा सिपाहियों के जूतों की आवाज़ सुनकर छुप गया था और झोपड़ी के पीछे छुपे छुपे देख रहा था इसका मतलब है सिपाही मुझे खोज रहे हैं ऊपर वाले को धन्यवाद सिपाहियों ने बुढ़िया से कुछ भी कहा सुना नहीं वह वापस झोपड़ी में पहुंचा और बिस्तर पर सोती बुढ़िया की ओर देखने लगा युवक कई रोज तक जंगल में भटकता रहा और पांच फूल राजकुमारी की प्रतीक्षा करता रहा लेकिन वह नहीं आई लगता है पांच फूल रानी मुझे भूल गई है एक दिन लोमड़ी मौसी फिर मिल गई युवक ने अपनी व्यथा फिर सुनाई लोमड़ी सोच में पड़ गई यह परेशान है इसकी कुछ मदद और करनी चाहिए उसने युवक को दो पुड़िया और एक जादू का मंत्र दिया लो इसे रखो इनका समय आने पर इस्तेमाल करना अच्छा मौसी जी इसके बाद लोमड़ी ने युवक के कान में कुछ समझाया सुनकर खुशी से युवक की आंखें चमक उठी वाह मौसी युवक किसी तरह महल की मालिन से मिला उससे अनु ने पत्र राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई ठीक है तुम पर दया आती है इसलिए मदद करती हूं मैं आपका एहसान मंद रहूंगा पर मालिन ने वापस आकर एक ही जवाब दिया फूल रानी तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देती मैं क्या करूं युवक के पास जादुई टोपी अब भी थी उसने उसे पहना और महल में पहुंच गया आज तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा वह सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा यदि पकड़ा गया तो सिपाही मुझे जान से मार देंगे युवक पांच फूल राजकुमारी के कक्ष में चोरों की तरफ पूछा वह खिड़की की ओर मुंह किए बैठी थी यही मौका है जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूं युवक ने दबे पैर राजकुमारी के पास जाकर लोमड़ी की दीप उसके सिर में डाल दी और मंत्र पढ़ने लगा ओ पीची या सुना पी काला दूसरे क्षण पांच फूल रानी बंदरिया बन गई अच्छा पांच फूल रानी जी चलता हूं फिर मिलूंगा युवक सावधानी पूर्वक राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकला अब यहां से सावधानी के साथ गायब हुआ जाए मालिन किसी काम से राजकुमारी के कक्ष में पहुंची बिस्तर पर बंदरिया देखकर उसके होश उड़ गए हे भगवान पांच फूल रानी बंदरिया बन गई राहुल टैद पांव बाहर की ओर भागी और माली से बोली गजब हो गया पांच फूल रानी बंदरिया बन गई क्या बक रही हो माली माली ने राजा को खबर की महाराज यह गजब कैसे हुआ हमारी समझ में तो आता नहीं बड़े दुख की बात है महाराज महाराज ने एकांत एक होते गंभीरता से विचार किया हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से क्या होगा मुझे कुछ करना चाहिए महाराज ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जो आदमी बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना देगा उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी घोषणा युवक ने भी सुनी वह मनी मन खुश हो उठा अब तो पांच फूल रानी मुझे मिलकर ही रहेगी युवक राजा के पास पहुंचा महाराज की जय हो मैं बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना सकता हूं क्या सच युवक तुम ऐसा कर सकते हो महाराज युवक को लेकर पांच फूल रानी के महल में पहुंचे पलंग पर बंदरिया गुमसुम बैठी थी युवक अब जल्दी अपना करिश्मा दिखाओ अपनी बेटी को असली रूप में देखने को मैं तड़प रहा हूं अभी लीजिए महाराज युवक ने बंदरिया के सिर पर लोमड़ी की दी दूसरी पुड़िया डाली और मंत्र पड़ा मंत्र पढ़ते बंदरिया फिर से पांच फूल रानी बन गई बेटी मेरी प्यारी बेटी पिताजी अब पांच फूल रानी मेरी है खुश होकर महाराज ने युवक के मजबूत कंधों पर हाथ रखे और गर्व से बोला युवक हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करते हैं और अपना आधा राज्य तुम्हें देते हैं धन्यवाद महाराज उसी दिन साई ठाट बाट के साथ युवक की शादी पांच फूल रानी से हुई अब बताऊंगा भाभीओ को मेरा पति सासी और होनहार है शादी के बाद युवक ने कहा महाराज पांच फूल रानी को मैं एक बार अपने घर ले जाना चाहता हूं ताकि मेरी भाभीों का अहंकार टूट सके जरूर ले जाओ बेटे युवक ने यही बात पांच फूल रानी से भी पूछी अब तो तुम जहां चाहो ले चलो मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं धन्यवाद फूल रानी दूसरे दिन महाराज ने अपनी बेटी और दामाद के साथ ढेर सारी फौज भी भेज दी हाथी पर सवार पांच फूल रानी और युवक नगर में निकले तो सभी चकित नजरों से देखने लगे तुम्हारा घर कहाँ है कुछ और आगे है हाथी पर सवार युवक और पांच फूल रानी का काफिला एक मकान के आगे रुका युवक की भाभी भागकर मकान से बाहर निकली आये यह फौज हमारे घर के आगे क्यों आ खड़ी हुई अरे यह तो हमारे देवर जी हैं पर साथ में कौन है कोई राजकुमारी लगती है युवक पांच रानी के साथ अपनी भाभियों के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया लो मैं उस पांच रानी को ब्याह कर ले आया हूं जिसकी तुम सब नौकरानियां बनने के काबिल भी नहीं हो सभी भाभी के सिर झुक गए युवक आगे बोला आज मैं पांच फूल रानी के हाथ की बनी रोटियां खाऊंगा पांच इतना तो समझ ही गई थी कि उसके पति के सम्मान को उसकी भाभी चोट पहुंचाई है वह रसोई में जाकर बैठ गई और रोटियां बनाने लगी गुस्सा छोड़ो जो हो गया उसे भूल जाओ ठीक है तुम कहती हो तो अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा अंत में बच्चों इस तरह युवक ने अपनी शुद्ध बुध और साथ सास तथा लगन से पांच फूल रानी को अपनी जीवन संगनी बनाया और एक अच्छे पति की तरह उसने अपनी पत्नी के कहने पर कभी भी गुस्सा न करने का प्रण भी किया इसके बाद वह दोनों सुख से जीवन यापन करने लगे समाप्त दोस्तों इतनी कहानी थे इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करना कमेंट में बताना कैसी लगी धन्यवाद दोस्तों